कैंटोनमेंट बोर्ड आए दिन विवादों के घेरे में रहता है। कैंट बोर्ड में पार्षदों की मीटिंग खत्म होने के बाद उस वक्त हंगामा हो गया जब कैंट बोर्ड के वाइस प्रधान सुरेंद्र सिंह बब्बू, उनके छोटे भाई और कुछ अज्ञात लोगों ने कैंट बोर्ड के भाजपा के पार्षद जोरा सिंह पर हमला करते हुए उनकी पगड़ी तक उतार दी और मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया, जिसके बाद भाजपा पार्षद के समर्थकों ने उन्हें सिविल हॉस्पिटल उपचार के लिए भर्ती करवाया। वहीं इस मामले के बारे में और जानकारी देते हुए घायल पार्षद जोरा सिंह ने बताया कि बीते दिन फिरोजपुर के कैंट बोर्ड के दफ्तर में अधिकारियों के साथ सभी काउंसिलरों की मीटिंग चल रही थी, जिसमें कैंट बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से जीएसटी बिल लागू होने के बाद फिरोजपुर कैंट में चुंगी खत्म होने की बात कही गई थी और इसके बदले व्हीकल टैक्स लागू किया जाएगा, जिससे कैंट बोर्ड को कमाई होगी। उन्होंने बताया कि इस फैसले का विरोध करते हुए कुछ साबुत कैंट बोर्ड के पीसीपी को पेश किया, जिस पर चर्चा करते हुए कैंट बोर्ड अधिकारियों ने इस पर विचार करने की बात कही थी। उन्होंने ये भी बताया कि मीटिंग खत्म होने के बाद जब बाहर निकल रहे थे तो इस दौरान कैंट बोर्ड के वाइस प्रधान सुरेंद्र सिंह बब्बू और कैंट बोर्ड के एक नंबर वार्ड के काउंसलर रोहित गिल और 4-5 अज्ञात लोगों ने पहले उनके साथ गाली गलौज की, फिर उनकी पगड़ी उतार दी और उन्हें हमला कर जख्मी कर दिया। मीटिंग खत्म हुई, खत्म होने तो बाद मेरे गल पै गई आ गई। बस इन्होंने रंजिश यही सी, कोई रंजिश वजह भी दूसरा मतलब इन्होंने लगन नहीं दिता, क्योंकि उसके इनकम बहुत मोटी होनी सी, कि व्हीकल अपने इतने एंटर करता, कि व्हीकल गांह जाता, कि इधरों ऐनू मोगे में जाता, तो इस करके बस वो इनकम सोर्स खत्म होने की वजह नाले बुकला के तो मेरे गल पे बयान दर्ज कर जोर से दाखिल होया सी, जब उन्हें गैरमेलर कटाई सी उस संबंध से असी ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੀਏ।